ये करोड़ों खानदान इस वक्त मुजतरब हैं, मुल्क दीनी तबका परेशान है, उलमा परेशान है, तलबा परेशान है, तलबा के वालिदैन इनके मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। इसलिए उलमाए किराम ये भरपूर मुतालबा कर रहे हैं और तलबा के वालिदैन, तलबा और दीन से मोहब्बत रखने वाले तमाम मुसलमान, ख्वाह वो किसी शोबे से मुतल्लिक हों, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर दीनी मदारिस को खोला जाए। उलमा कराम का हुकूमत से फौरी मदारिस खोलने का मुतालबा, जामिया शरफिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमा कराम ने कहा कि मदारिस 30 लाख बच्चों की कफालत कर रहे हैं, किसी एक मस्जिद से कोरोना मरीज सामने नहीं आया, अब सब्र के पैमाना जवाब दे रहा है, हुकूमत हर कीमत पर मदारिस जल्द अज जल्द खोलने की हिदायत दे रही है। लॉकडाउन का आज आखिरी रोज, पंजाब हुकूमत का फेस मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला, सख्त SOPs के तहत मजीद इदारों को काम की इजाजत देने का फैसला। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत कोरोना कमेटी इजलास में तजारती इदारों के लिए 2 रोज हफ्तावार तातीलात और पार्क खुलवाने की भी सिफारिश। लाहौर हाईकोर्ट में कल से तमाम मुकदमात की समातें बहाल, पहले रोज चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान समेत 26 जजेस 832 मुकदमात सुनेंगे। प्रिंसिपल सीट पर 9 डिवीजन 26 सिंगल बेंचेस समात के लिए मुकर्रर, कल से मातहत अदालतों में भी तमाम मुकदमात की समात होगी। फैसले पर वकला और सालीन में इत्मीनान की लहर। कोरोना का आसेब लाहौर पर छा गया, 78 रोज में 174 अम्बात, 11,260 मुबतला मरीज। लाहौर पुलिस में कोरोना के कन्फर्म केसेस की तादाद 117 हो गई, 300 से ज्यादा केसेस की रिपोर्ट का इंतजार। सूबाई हुकूमत का आमिया अस्पताल में कोरोना कंट्रोल रूम बनाने, 1500 वेंटिलेटर्स के लिए विपाकी हुकूमत को दरख्वास्त भेजने का फैसला। फ्लोर मिल्स के गोदाम खाली, आढ़तियों के पास रिकॉर्ड स्टॉक, गंदम की मनमानी कीमतों से आटे की कीमत 6 रुपए किलो बढ़ गई। रिकॉर्ड पैदावार और रिकॉर्ड खरीदारी के बावजूद फ्लोर मिल्स के 3 दिन का गंदम स्टॉक रखने से भी रोक दिया गया। नाकिस हुकूमती पॉलिसी से ओपन मार्केट में कीमत 1,670 रुपए मन हो गई। आटा बहरान की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लॉकडाउन के दौरान तमाम सियाहती मराकज बंद, तारीखी इमारतों के दरवाजों पर भी ताले, असबाब मुअत्तल हो जाने से तफरीही मराकज माली बहरान का शिकार, तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात। सूबाई हुकूमत से 5 करोड़ फंड्स का मुतालबा, नाकिस पॉलिसीज के सबब फरोगे सियाहत का ख्वाब खुदे लाइन लग गया। फंड की किल्लत के सबब शहर के 9 थानों की तामीर नामुकम्मल रह गई। CCPO ने रिपोर्ट IG ऑफिस अरसाल कर दी। गवाल मंडी कला गुजर सिंह, चूंग गुलशन इरावी और फैक्ट्री एरिया की तामीर के लिए नए माली साल में फंड रखने का मुतालबा। अलविदा सैयद इंसान नकवी, अलविदा। PIA तैयारा हादसे में शहीद सीनियर सहाफी इंसान नकवी की नमाज जनाजा और तदफीन, City42 के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा और तदफीन में डॉक्टर डायरेक्टर City42 न्यूज़ पुरम कलीम, ग्रुप एडिटर डेली City42 नवी चौधरी, सीनियर असाइनमेंट एडिटर जैनुल आबरीन समेत सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अरकान ने शिरकत की। अंसार नकवी शहीद की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी और सहाफी बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत, रुकने सिंध असम्बली ख्वाजा इजहार, रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, आमिर खान, अनीस कायम, सूबाई वजीर सईद गनी और मेयर हैदराबाद तैयब हुसैन की नमाज जनाजा में शिरकत, नासिर हुसैन शाह, फिरदौस अमीन नकवी, खुरम शेर जमान, NK प्रेसिडेंट मसूद रजा और दीगर नमाज जनाजा में शरीक हुए। अंसार नकवी शहीद की रस्म कुल आज उनकी रिहाइश गाह पर नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। PIA तियारा हादसे के मजीद 5 शहदा की मईतें लाहौर पहुंच गईं। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम की नमाज जनाजा सदर शहीद एयर होस्टेस आमना इरफान की जहांगीर पार्क जनरल हॉस्पिटल और शहीद फायर स्टूअर्ट अब्दुल करीम की नमाज जनाजा सब्जाजार में अदा की गई। मुसाफिर फजलुर रहमान और वहीदा रहमान की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तयारा हादसा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम ने मजीद 4 नाशों की शनाख्त कर दी। शनाख्त किए जाने वालों में 3 बच्चे भी शामिल,
30 साला नीलम बरकत अली की शनाख्त दांतों के इलाज के रिकॉर्ड से हुई। यूएचएस की टीम अब तक 12 अफराद की नाश डेंटल रिकॉर्ड की मदद से शनाख्त कर चुकी है। लाहौर में निजी स्कूलों की जाली रजिस्ट्रेशन का मामला, नैब का स्कूल एजुकेशन को जाली रजिस्ट्रेशन में मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। स्कूल एजुकेशन ने रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी लाहौर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड स्कूल की तादाद फराहम करने की हिदायत। क्रिकेट के नाम पर अजब करप्शन की गजब कहानी, साबिक मेंबर पीसीबी गवर्निंग बॉडी शकील शेख का सीडीए की जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल, ग्राउंड फीस की मद में करोड़ों का गबन। बोर्ड दस्तावेजात ने करप्शन कहानी का भांडा फोड़ दिया। शकील शेख ने बतौर मशीर चेयरमैन पीसीबी भी लाखों रुपए वसूल किए। पीसीबी की जानिब से नोटिस वजाहत तलब। मियां नवाज शरीफ के जाती मॉलेज लंदन से लाहौर पहुंच गए। डॉक्टर अदनान मरियम नवासी साहबजादी के हमराह PK-788 से लाहौर पहुंचे। डॉक्टर अदनान गुज़िश्ता साल नवंबर में साबिक वज़ीर आज़म के इलाज के लिए उनके हमराह बरतानिया गए थे। मक्का कॉलोनी बाजार में गिरा फरोश छा गए। सरकारी नेकनामा नजरअंदाज, 20 रुपए किलो वाले टमाटर 40 रुपए में फरोख, 150 वाला लीमू 280 रुपए हो गया। मटर 100 की बजाय 120 रुपए किलो बिकने लगे। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल सिस्टम नकारा हो गया। आइंदा माह से क्लब क्रिकेट की बहाली के लिए SOPs की तैयारी। जून के वस्त में टूर्नामेंट के लिए ड्रेसिंग रूम खत्म करने का फैसला। खिलाड़ियों को ग्राउंड के बाहर खुली जगह 4 फुट फासले से बिठाया जाएगा। खिलाड़ियों के लुआब से गेंद चमकाने पर पाबंदी। हर ओवर के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी। सेलिब्रेशन के दौरान हाथ मिलाने की ममानत होगी। मैच से पहले खिलाड़ियों का टेम्परेचर भी चेक किया गया। तहरीक-ए-इंसाफ ट्रेडर्स विंग का अहम इजलास में ताजर मसाइल पर तबादला ख्याल। PTI ट्रेडर विंग की तंजीम साजी जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक। ताजर मसाइल के हल के लिए इंतजामी कमेटियां बनाने की तजवीज़। सदर सेंचुरी टावर हाजी मुनीर अहमद ने तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का भी ऐलान किया। जलसा देने वाली गर्मी में महंगे AC और महंगी बिजली शहरियों के औसान खतर करने के लिए काफी। मुतफसर तबके ने गर्मी का तोड़ सस्ते एयर कूलर्स में ढूंढ लिया। एयर कूलर की आरजी दुकानों पर शहरियों का रश। निस्बतन सस्ते और कारामद एयर कूलर की खरीदारी जोरों पर पहुंच गई। अंसार नकवी शहीद की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी और सहाफी बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। रुकने सिंध असम्बली ख्वाजा इजहार, रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, आमिर खान, अनीस कायम, सूबाई वजीर सईद गनी और मेयर हैदराबाद तैयब हुसैन की नमाज जनाजा में शिरकत। नासिर हुसैन शाह, फिरदौस अमीन नकवी, खुर्रम शेर जमान, NK प्रसन्न, मसूद रजा और दीगर नमाज जनाजा में शरीक हुए। अंसार नकवी शहीद की रस्म खुलाज उनकी रिहाइश गाह पर नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। PIA तियारा हादसे के मजीद 5 शहदा की मईतें लाहौर पहुंच गईं। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम की नमाज जनाजा सदर शहीद एयर होस्टेस आमना इरफान की जहांगीर पार्क जनरल हॉस्पिटल और शहीद फायर स्टूअर्ट अब्दुल करीम की नमाज जनाजा सब्जाजार में अदा की गई। मुसाफिर फजलुर रहमान और वहीदा रहमान की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तयारा हादसा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम ने मजीद 4 नाशों की शनाख्त कर दी। शनाख्त किए जाने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। 30 साला नीलम बरकत अली की शनाख्त दांतों के इलाज के रिकॉर्ड से हुई। UHS की टीम अब तक 12 अफराद की नाश डेंटल रिकॉर्ड की मदद से शनाख्त कर चुकी है। लाहौर में निजी स्कूलों की जाली रजिस्ट्रेशन का मामला, नैब का स्कूल एजुकेशन को जाली रजिस्ट्रेशन में मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। स्कूल एजुकेशन ने रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी लाहौर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड स्कूल की तादाद फराहम करने की हिदायत। क्रिकेट के नाम पर अजब करप्शन की गजब कहानी, साबिक मेंबर PCB गवर्निंग बॉडी शकील शेख का CDA की जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल, ग्राउंड फीस की मद में करोड़ों का गबन। बोर्ड दस्तावेजात ने करप्शन कहानी का भांडा फोड़ दिया।
शकील शेख ने बतौर मशीर चेयरमैन पीसीबी भी लाखों रुपए वसूल किए। पीसीबी की जानिब से नोटिस वजाहत तलब। मियां नवाज शरीफ के जाती मौलिज लंदन से लाहौर पहुंच गए। डॉक्टर अदनान मरियम नवासी साहबजादी के हमराह PK-788 से लाहौर पहुंचे। डॉक्टर अदनान गुज़िश्ता साल नवंबर में साबिक वज़ीर आज़म के इलाज के लिए उनके हमराह बरतानिया गए थे। मक्का कॉलोनी बाजार में गिरा फरोश छा गए। सरकारी नेकनामा नज़रअंदाज। 20 रुपए किलो वाले टमाटर 40 रुपए में फरोख। 150 वाला लीमू 280 रुपए हो गया। मटर 100 की बजाय 120 रुपए किलो बिकने लगे। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल सिस्टम नकारा हो गया। कहीं धूप कहीं छाँव, मौसम आज भी जुजवी अबरूद रहेगा। कुछ ठंडा मौसम है जिससे शहरियों के तबीयत में भी कुछ नरमी आई हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी बारिश की पेशगोई।